इस बात का एहसास कराऊंगा कि इस छोटे से टुकड़े में खेला जाएगा T20 विश्व कप का फाइनल, जो कि खेला जाएगा हमारे खूबसूरत से दिखने वाले भारत और बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं दक्षिण अफ्रीका के बीच में। मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि जियोग्राफिक फैक्टर कैसे T20 विश्व कप के फाइनल को इंपैक्ट कर सकता है। इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किस तरह पिच और जियोग्राफिक फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं रिजल्ट। तो ये मैच खेला जाएगा बारबाडोस पेनिनसुलर ओवल में। ये समुद्र से केवल 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है ये स्टेडियम, तो विंड का इंपैक्ट होना तो लाजमी है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो विंड का फोरकास्ट है, पूरे साल में सबसे ज्यादा विंड यहाँ जनवरी फरवरी और जून के महीने में चलती है। 29 जून का मुकाबला होगा तो विंड का इंपैक्ट रहने वाला है। एक्सपेक्टेडली एज पर फोरकास्टर्स ये बात कही जा रही है कि विंड की स्पीड अप टू 30 to 40 किलोमीटर पर आवर चल सकती है। लोकल लोगों से पता किया तो बता रहा है कि आजकल 20-25 किलोमीटर के हिसाब से विंड चल रही है। इसके अलावा एक और खास चीज यहाँ पिच के बारे में, यहाँ पर टीमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद करती हैं और बैटिंग करते हुए उनका विनिंग परसेंटेज 59% है, जो कि अपने आप एक रिमार्केबल स्टैट है टॉस जीत के बैटिंग करने के लिए। और इंडिया को फिलहाल ये T20 वर्ल्ड कप में सूट भी यही कर रहा है। पर यहाँ के पिच की खासियत है कि ये लेग स्पिनर्स और लेग ब्रेक बॉलर्स चाइना मेन बॉलर को ज्यादा हेल्प देती है, तो स्पिनर्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पे उतना ही ज्यादा है। पर जहां पे रबाडा और बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाजों, तो वहां पे कभी हम फास्ट बॉलर्स को रोल आउट नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों का इंपैक्ट बड़ा मैसिव रहने वाला है। हालांकि कुलदीप का रोल सबसे मैसिव हो सकता है, हमारे स्पिनर्स का रोल बहुत मैसिव हो सकता है। लेट्स सी हाउ अक्षर एंड रविंद्र यूज द विंड। सो दैट्स ऑल द स्टैट्स आई वांटेड टू टेल यू इन शॉर्ट ऑफ टाइम। दैट्स ऑल, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम। जय हिंद।